Hello everyone, welcome to your own YouTube channel, The Mathematician Show. I hope you will be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. क्वेश्चन है, what number should replace x and y in the diagram? यानी इस स्क्वायर के अंदर x और y की जगह कौन सा नंबर होगा, यानी x और y का वैल्यू फाइंड करना है. आप जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं. हम अगर फर्स्ट रॉ में देखें तो फर्स्ट रॉ में 3 है, 6 है, 9 है, यानी तीनों नंबर के बीच तीन तीन का डिफरेंस है. 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3, 6 माइनस 3 इक्वल्स 3. अगर इसी तरह हम लोग यहाँ रिप्लेस कर दें x की जगह 8, तो 8 माइनस 5 3 तो हो जाएगा, लेकिन 20 माइनस 8 3 ही नहीं होगा. तो अब कोई नया रिलेशन ढूंढते हैं इसके बीच. 3 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 4 आता है, जो नीचे वाला नंबर है, और 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5 मिलता है. ये मिडिल वाला नंबर है फर्स्ट कॉलम में. सेकंड कॉलम में अगर 6 में 1 ऐड कर दें तो 7 आता है, नीचे वाला नंबर है, और 7 में 1 ऐड कर दें तो 8 होगा. तो यहाँ x की जगह हम लोग 8 दे सकते हैं, लेकिन 9 में 1 ऐड करने पर 10 होता है, और 10 में 1 ऐड करने पर 11 होता है. यहाँ 11 है नहीं, यहाँ क्या है, 20 है. अब फिर से इन तीनों नंबर के बीच फर्स्ट रॉ में कोई नया रिलेशन ढूंढना होगा, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 बाई 2 इक्वल्स 9. यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो थर्ड वाला नंबर मिल जाता है. उसी तरह 5 इंटू एक्स बाई 2 इक्वल्स 20 होगा. एक्स इक्वल्स 20 इंटू 2 बाई 5, 4 टू ज़ा 8, यानी x का वैल्यू हम लोग 8 ले सकते हैं. और 4 इंटू 7 थर्ड वाला रो के लिए, 4 इंटू 7 बाई 2 इक्वल्स 27 ज़ा 14. तो इस तरह से 8 और 14 हमारा वैल्यू निकल के आया x और y का. तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 14. फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.